मेरा नाम जिनसेई तेरासावा, फुजी गुरु जी का शिष्य हूँ। हम 1970 में, अभी से 72 इयर्स पहले, फुजी गुरु जी के साथ सबसे पहले इस दौर में आया, इस भिक्षुगांग के एक है। अभी जिंदा है वो बहुत कम है, 2-3 आदमी है अभी भी जिंदा है। मैं वो एक ही है, वो फुजी गुरु जी के साथ सबसे पहले दौरी में आया। जब वहाँ बिल्कुल जंगल थे, कुछ भी नहीं थे, हम लोग बाम्बू का जो परिवार आया, और सबसे पहले पानी चाहिए। पीने का पानी के लिए हम लोग खुद जमीन खोदाई करके खुआ बनाया और पानी मिला। वहाँ से हम लोग इस मंदिर का बनाने का काम शुरू किया है। 8 महीना में लोग और गांव-गांव लोगों का सहयोग मिल करके मंदिर स्थापना किया। उसके बाद सीधा पहाड़ के ऊपर में अभी का शांति स्तूप है। पूरा काम हम लोग अपने हाथ से किया है। आज 50 साल हो गया, फिर से आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? हमारा मैसेज है, यहाँ का इतिहास है, राजा अशोका का इतिहास है। राजा अशोका यहाँ पर अहिंसा युद्ध का रास्ता छोड़ करके अहिंसा विश्व शांति के लिए पूरा अपना जीवन इंडिया में, और खैर इंडिया में नहीं, पूरा मनुष्य जाति, पूरा दुनिया, पूरा विश्व में अहिंसा मार्ग, विश्व शांति का, भगवान बुद्ध का ज्ञान, करुणा का मार्ग है प्रचार करने का राजा अशोका का जीवन इस खरिंगा से शुरू किया है। हम लोग इस इतिहास, फिर पूरा नया इतिहास बनाने के लिए 50 साल पहले इतना तपस्या करके स्तूप बनाया अपने हाथ से, दिन रात काम किया। खाना पीना भी कुछ अच्छा खाना भी नहीं था, सब लोग बहुत फटरा भी हो गया। ऐसा करके हम लोग यहाँ के लोग और गांवों के लोगों के साथ यह स्थापना किया। मैं बहुत खुशी है, संदेश है करिंगा शांति स्तूप का, संदेश है वो भगवान बुद्ध और राजा अशोका का जीवन संदेश है। अब सारे दुनिया में यहाँ से फिर प्रचार हो जाए। आपने 50 साल पहले बनाया था जी, 50 साल बाद उसे देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट हुआ है उसे कैसे देख रहे हैं आप? संदेश एक ही है, मार्ग एक ही है। 50 साल तो हमारे मनुष्य के इतिहास में बहुत छोटा समय है। 2000 के इतिहास के पर हम लोग अभी नया शांति इतिहास है बनाना चाहिए।